फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर दमदार धावक और अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का 18 जून को देर रात निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक महीने से कोरोना से जूझने के बाद मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर का देहांत भी कोरोना की वजह से हो गया था। खुद भी कोरोना से संक्रमित होने के कारण मिल्खा सिंह अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए थे। दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत थी। 91 वर्ष के मिल्खा ने जिंदगी में इतनी विकट लड़ाई जीती थी कि शायद ही कोई और टिक पाता। उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले PTI से आखिरी बातचीत में कहा था, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं हैरान हूँ कि मुझे कोरोना कैसे हो गया। उम्मीद है कि जल्द ही अच्छा हो जाऊंगा। अब उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और तीन बेटियां हैं। आपको बता दें कि जीव मिल्खा सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने गोल्फर हैं। जीव ने 2 बार एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट जीता है। उन्होंने साल 2006 और 2008 में यह उपलब्धियां हासिल की थी। 2 बार इस खिताब को जीतने वाले जीव भारत के एकमात्र गोल्फर हैं। जीव मिल्खा सिंह को पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। ऐसे में मिल्खा सिंह और उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह देश के ऐसे इकलौते पिता पुत्र की जोड़ी हैं जिन्हें खेल उपलब्धियों के लिए पद्मश्री मिला है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के लिए ट्रैक एक खाली किताब की तरह था जिससे उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद और मायने मिले। अपनी जिंदगी में आई किसी भी मुसीबत को उन्होंने अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। तो चलिए अब कुछ मिल्खा सिंह के बारे में जानते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 बच्चों में वह एक थे। उनके कई भाई बहन बचपन में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहनों को खो दिया था और वो शरणार्थी बन के पाकिस्तान की ट्रेन से दिल्ली आ गए। वह दिल्ली के शरणार्थी कैंपों में छोटे मोटे जुर्म करके गुजारा करते थे जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। देखा जाए तो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन सब हालातों से ऊपर उठकर कोई इतनी सक्सेस हासिल कर सकता है। लेकिन यह मिल्खा सिंह की मेहनत और उनका दृढ़ निश्चय ही था कि वो उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ उन्होंने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। उनके लिए ट्रैक एक मंदिर की तरह था और दौड़ना उनके लिए ईश्वर और प्यार दोनों था। अपने भाई मलखान के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का फैसला किया और चौथी कोशिश के बाद 1951 में सेना में भर्ती हो गए। बचपन में ही वह घर से स्कूल और स्कूल से घर 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरा करते थे और भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में 6वें स्थान पर आए थे, इसलिए सेना ने उन्हें खेलकूद में स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए चुना था। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की, 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उनकी उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने एशियाई खेलों में 4 गोल्ड मेडल और 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा जीता। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से भी उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। वह राष्ट्रमंडल में इंडिविजुअली कंपटीशन का मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे। उनके अनुरोध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन राष्ट्रीय अवकाश का भी ऐलान किया था। मिल्खा ने अपने करियर में 80 में से 77 रेस जीती। इन सभी जीतों के बाद भी मिल्खा सिंह को रोम ओलंपिक 1960 में चूकने का मलाल ताउम रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरी आदत थी कि मैं हर दौड़ में एक दफा पीछे मुड़कर देखता था। रोम ओलंपिक में दौड़ बहुत नजदीक थी और मैंने जबरदस्त ढंग से शुरुआत की, हालांकि मैंने एक दफा पीछे मुड़कर देखा और शायद यही मैं चूक गया। इस दौड़ में सिल्वर मेडल विजेता का समय 45.5 था और मिल्खा ने 45.6 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। हालांकि हारने के बावजूद ये रेस उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी। रोम ओलंपिक के 400 मीटर फाइनल में उनकी टाइमिंग 38 साल तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड रही। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपनी जिंदगी पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग के साथ अपनी आत्मकथा के लॉन्च के मौके पर उन्होंने कहा था, एक मेडल के लिए मैं पूरे करियर में तरसता रहा।
और एक मामूली सी गलती से वह मेरे हाथ से निकल गया। उनका एक और सपना अभी तक अधूरा है कि कोई भारतीय ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक पद जीते। उन्होंने रोम ओलंपिक से पहले पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराया था। पहले मिल्खा पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, जहां उनके माता पिता का कत्ल हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर वह पाकिस्तान गए। उन्होंने खालिक को हराया और पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। 2001 में मिल्खा सिंह को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अर्जुन अवार्ड के वितरण पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि देश में दिए जाने वाले अर्जुन अवार्ड में से 60% सम्मान महज दूसरे खेलों के ग्रुपों को खुश करने के लिए बोकस दिए जाते हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत में मिल्खा सिंह ने कहा कि क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने से पहले इसे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को दिया जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने सचिन को भी काबिल बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि ध्यानचंद की फाइल इस अवार्ड के लिए लंबे समय से दबी हुई है। यही कारण है कि उन्होंने ऐसे कई अवार्ड को हासिल करने से मना कर दिया। जहां मिल्खा सिंह के जीवन का एक हिस्सा कड़ी मेहनत और दुखमय था, वहीं उनके जीवन का दूसरा हिस्सा काफी दिलचस्प और रंग भरा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उनके जीवन की लव स्टोरी की। मिल्खा सिंह के संघर्ष में जीवन के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में शायद ही कोई बेहतर जानता हो। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का जन्म पाकिस्तान के शेखपुरा में 8 अक्टूबर 1938 को हुआ था। वो 3 अलग अलग मौकों पर पंजाब की बॉलीवुड टीम की कप्तान रही थी। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने बताया था कि निर्मल से उनकी पहली मुलाकात 1955 में श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी। दोनों एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। निर्मल पंजाब की बॉलीवुड टीम की कप्तान थी और मिल्खा सिंह एथलीट टीम का हिस्सा थे। इसी दौरे पर एक भारतीय बिजनेसमैन ने बॉलीवुड टीम और एथलीट टीम को खाने पर इनवाइट किया। यही वो जगह थी जहां मिल्खा सिंह पहली बार निर्मल से मिले थे। मिल्खा सिंह ने इस इंटरव्यू में कहा था कि उस जमाने में एक महिला से बात करना किसी शख्स के लिए भगवान से बात करने के समान था। लोग महिलाओं को दूर से देखकर ही खुश हो जाते थे। निर्मल कौर पहली नजर में ही मिल्खा सिंह को पसंद आ गई थी। इस दौरान दोनों के बीच काफी बातचीत हुई। मिल्खा इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो जुबान से इकरार नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वापस लौटने से पहले उन्होंने आगे का रास्ता जरूर साफ कर दिया था। पार्टी से लौटते वक्त मिल्खा ने निर्मल के हाथ पर अपने होटल का नंबर लिख दिया। दोनों की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और साल 1958 में एक बार फिर दोनों की मुलाकात हुई। हालांकि इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई साल 1960 में, जब दोनों दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में मिले। इस समय तक मिल्खा काफी नाम कमा चुके थे। दोनों कॉफी ब्रेक में एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। 1960 में दोनों का रिश्ता तब और मजबूत हो गया जब चंडीगढ़ में खेल प्रशासन ने मिल्खा को स्पोर्ट्स का डिप्टी डायरेक्टर बना दिया और निर्मल वुमेन स्पोर्ट्स की डायरेक्टर नियुक्त हुई। मिल्खा और निर्मल को लेकर चारों तरफ चर्चा होने लगी। हालांकि तब तक मिल्खा और निर्मल एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर चुके थे। दोनों परिवारों के बीच आपसी मतभेद होने के कारण शादी में काफी दिक्कतें आईं, लेकिन आखिरकार दोनों की जिद के आगे परिवार वालों की एक ना चली और साल 1962 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। निर्मल कौर ने राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल कर रखी थी। उनकी एक और खास बात ये थी कि वे किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल बॉलीवुड टूर्नामेंट में शॉर्ट या स्कर्ट की बजाय सलवार कमीज पहनकर ही मैदान में उतरती थी। मिल्खा सिंह कहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में भी पत्नी ने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। मिल्खा की कहानी सिर्फ मेडलों या उपलब्धियों की ही नहीं, बल्कि आजाद भारत के ट्रैक और फील्ड खेलों का पहला अध्याय लिखने की भी है, जो आने वाले कई नस्लों को प्रेरित करती रहेगी।